चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन दस्ते ने कई जगह कच्चे पक्के अतिक्रमण भी हटाए। हालांकि इस दौरान दस्ते के कर्मचारियों को व्यापारियों और साथ ही स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। परिषद के एकाएक शुरू किए गए इस अतिक्रमण अभियान पर कई मजदूरों व ठेले वालों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया। वहीं शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते ये अभियान काफी हद तक बाधित भी हुआ। नगर परिषद द्वारा टीम बनाकर अभियान चलाया गया। आज पहला दिन है, सालासोर चुंगी नाके से आगे वहाँ से स्टार्ट किया और बोधलाई चौराया पेट्रोल पंप बस स्टैंड तक जाकर यहाँ तक अतिक्रमण उठाया गया। भेदभाव कर रहे हैं हमारी गाड़ी के अंदर में, हमारी गाड़ी के अंदर ये गाटा अभी डलवाया था, ये गाटा अभी डलवाया था हमारी गाड़ी में डाल रहे हैं। ये इतनी का स्टाफ क्या हमारा आदमी है? ये तुम्हारा आदमी है तो क्या तुम कैसे इसके साथ बर्ताव कर रहे हमारे साथ में? सबको एक साथ रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है।